नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारतीय बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी इस समय कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं। कर्ज की मार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अनिल अंबानी के पास एक पावर प्लांट इस समय नीलाम हो रहा है। भारतीय दिवालियापन अदालत इसकी नीलामी कर रहा है। इस नीलामी में जो दिग्गज भाग लेना चाह रहे हैं उनका नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। अनिल अंबानी के इस पावर प्लांट पर गौतम अडानी की नजर है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी अनिल अंबानी के इस कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए बोली भी लगा रहे हैं। अडानी ग्रुप अपनी प्रमुख जीवाश्म ईंधन परियोजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है। हिंडनबर्ग समूह की रिपोर्ट आने के बाद से आर्थिक संकट से जूझ रहा गौतम अडानी समूह एक और दाव लगाने को तैयार है। इस बार अडानी समूह को विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहे अनिल अंबानी के कोयले आधारित पावर प्लांट को खरीदने में अडानी समूह ने दिलचस्पी दिखाई है। इस प्लांट को खरीदने की रेस में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड भी है। अनिल अंबानी के जिस कोयला प्लांट को खरीदने की बात की जा रही है वो मध्य भारत में 600 मेगावाट उत्पादन करता है। इन पावर प्लांट की वर्तमान में भारतीय दिवालियापन अदालत द्वारा नीलामी हो रही है। अनिल अंबानी सालों से लेनदारों के कर्ज की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस अरबपति की कई कंपनियां बिक्री की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। हाल ही में ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में अंबानी से पूछताछ भी की थी। ये डील जितनी अनिल अंबानी के लिए जरूरी है उतनी ही गौतम अडानी के लिए भी जरूरी है। अनिल अंबानी अभी कर्जदारों से परेशान है। विदेशी मुद्रा नियमों फेमा के मामले में उनसे और उनकी पत्नी टीना अंबानी से पूछताछ हो रही है। ईडी ने अनिल अंबानी से घंटों पूछताछ की है। साल 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल अंबानी का झगड़ा सामने आया। साल 2005 में दोनों के बीच रिलायंस के कारोबार का बंटवारा हो गया। रिलायंस के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आई, जबकि छोटे भाई के हिस्से में आरकॉम रिलायंस कैपिटल रिलायंस एनर्जी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां आई थी। विदर्भ इंडस्ट्रीज में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की हिस्सेदारी है। हाल ही में विदर्भ इंडस्ट्रीज के कर्जदाताओं ने SBI कैप्स को कर्ज समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले ही विदर्भ इंडस्ट्रीज के कर्जदाताओं को 3 बोलियां मिल चुकी हैं। खुद प्रवर्तक कंपनी रिलायंस पावर ने भी 1260 करोड़ रुपए की एक मुश्त समाधान की पेशकश की है। इसके साथ ही अहमदाबाद के CFM असेट रिकंस्ट्रक्शन और NARCL ने भी अपनी तरफ से पेशकश रखी है। CFM की पेशकश 1260 करोड़ जबकि NARCL ने 1120 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अगर ये डील पूरी होती है तो अडानी समूह को कोयला आधारित पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अडानी समूह जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद से ही कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये डील अडानी के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।